रेवाड़ी के गोठड़ाखोरी गांव में निर्माणाधीन सैन्य स्कूल का कार्य फंड जारी न होने के अभाव में लंबित पड़ा हुआ है। हालात ये हो गए हैं कि जो आधी बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है उसकी हालत भी खस्ता होती जा रही है। वर्ष 2008 में सैनिक स्कूल का निर्माण का कार्य शुरू हुआ था जो 5 साल में बनकर तैयार हो जाना था, लेकिन अब वर्ष 2018 पूरा होने को है लेकिन अब भी फंड रिलीज ना होने के कारण निर्माण का कार्य अधर में लटका हुआ है। इस बीच मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोई पैसा नहीं रुका हुआ है और शिक्षा मंत्री कहते हैं कि जल्द पैसे रिलीज करा देंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह कार्य में देरी के चलते मनोहर सरकार पर पहले ही निशाना साध चुके हैं। लेकिन 10 साल पहले का मंजूर किया हुआ 7 साल तो गुजार दिए योगा साहब ने और 3 साल के अंदर आधा अधूरा हमारी सरकार ने। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट के जितने पैसे जाने थे सब चले गए हैं, वही इसके अंदर क्या उम्मीद कर रहे कब तक शुरू होगा वो? अब ये विशेष पाली गोठड़ा में हमारी सैनिक विद्यालय की बिल्डिंग में कुछ फंड रुके हुए हैं। मैंने कहते हैं काम सरकारी है होता सा होगा, ये बात रेवाड़ी में निर्माणाधीन सैनिक स्कूल पर सटीक बैठती है। वो इसलिए कि वर्षों से सैनिक स्कूल का कार्य पूरा ही नहीं हो रहा है, बार बार पत्र लिखकर पैसे जारी किए जाने की मांग की जा चुकी है, लेकिन काम सरकारी है ऐसे में कोई क्या कर सकता है। दरअसल तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय में केंद्रीय रक्षा मंत्री AK एंटोनी ने रेवाड़ी के गोठड़ाखोरी गाँव में सैनिक स्कूल बनाए जाने की आधारशिला रखी थी। उस समय प्रदेश में हुड्डा सरकार थी और अभी BJP के केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस में रक्षा मंत्री थे। उस समय कहा गया था कि 5 साल में भवन बनकर तैयार हो जाएगा। ग्रामीण कहते हैं कि बार बार मंत्रियों से कह चुके हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। सोचकर हमने जमीन दी गई थी लेकिन लगभग 11 साल बीतने के बाद भी आज तक इसकी शुरुआत यहाँ पर नहीं की गई है। और हमारे जो MP हैं राव इंद्रजीत सिंह, कांग्रेस सरकार थी उस समय में भी यही MP थे और आज भी हमारी यही MP हैं। हमने कई बार इनको लिखित में भी दिया गया है पंचायत की तरफ से, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई अभी तक अमल में नहीं लाई गई है। ये तो जी कब होगा पता नहीं, इसका तो सारा दीवल ने खा चुके हैं, पूरा बिल्डिंग जर्जर हुई पड़ी हुई। अब ये तो सरकार कुछ स्टेप ही नहीं ले रही इस पे। तो बता दें कि रेवाड़ी के बाद में देश में 4 सैनिक स्कूल खोले गए जिनका काम पूरा हो चुका है, लेकिन उनसे पहले रेवाड़ी में शुरू किए गए सैनिक स्कूल की बिल्डिंग आज तक बनकर तैयार नहीं हो पाई है। हैरान करने वाली बात यह कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि सैनिक स्कूल का कोई पैसा नहीं रुका हुआ है, जबकि सैनिक स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के सामने स्कूल प्रिंसिपल ने फंड रिलीज कराने की मांग की, जहां शिक्षा मंत्री ने 3 महीने में रुका हुआ पैसा जारी कराने का भरोसा दिया। सैनिक स्कूल का काम सब 2014-15 में पूरा होना तो पेंडिंग है, कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने फंड नहीं दिया समय पे, इसलिए वेट है। स्टेट गवर्नमेंट के जितने पैसे जाने थे सब चले गए हैं, वही इसके अंदर क्या उम्मीद कर रहे कब तक शुरू होगा वो? अब ये विशेष अड़चन क्या है कमिश्नर बताएंगे क्या अड़चन है, लेकिन हमारी ओर से कोई पैसा बकाया नहीं। एक समस्या है पाली गोठड़ा में हमारी सैनिक विद्यालय की बिल्डिंग में कुछ फंड रुके हुए हैं। मैंने इनसे वादा किया है कि हरियाणा सरकार से हम 3 महीने के अंदर अंदर वो सारा अमाउंट रिलीज कराएंगे। सैनिक स्कूल के निर्माण को पूरा कराने के लिए पैसे कई महीनों से अटके हुए हैं और यही कारण है कि खुद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह मनोहर सरकार पर निशाना साध चुके हैं। 1 वर्ष पहले गोठड़ा गांव में हुई जनसभा में उन्होंने कहा था कि पहले हुड्डा सरकार और अब मनोहर सरकार द्वारा पैसे रिलीज ना होने के कारण आज तक काम लटका हुआ है। राव इंद्रजीत सिंह ने ये बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि केंद्र सरकार ने कोई पैसा नहीं रोका, जो पैसा रोका है वो राज्य सरकार ने रोका है, इसलिए इलाके के विधायक पैसे लाने के लिए जोर लगाए। वहीं बावल विधायक व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने भी 1 वर्ष पहले ये कहा था कि 6 माह में काम पूरा हो जाएगा। लेकिन 10 साल पहले का मंजूर किया हुआ 7 साल तो गुजार दिए योगा साहब ने और 3 साल के अंदर आधा अधूरा हमारी सरकार ने। तो मैं ये तीनों हमारे MLA आपके चुने हुए, मेरे रिकमेंड किए हुए पार्टी के पदाधिकारी के तौर के ऊपर हमारे सारे सबके रिप्रेजेंटेटिव हरियाणा विधानसभा के अंदर, हम इसे यही कह सकते हैं कि भाई ये स्कूल आप चालू करो सारा का सारा पाली गोठड़ा से, रेवाड़ी से आधा नहीं चलना चाहिए। स्कूल काफ़ी लंबा चल रहा है लेकिन हमारी सरकार आने के बाद अभी 8 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने सैंक्शन किए थे हॉस्टल मैच वगैरह का,
और वो काम बिल्कुल काफी तेजी से चल रहा है और जल्दी उसका भी जल्दी का कुछ डेट है कि कब लगभग कब मान के चले? मेरे ख्याल से 5-6 महीने में कम्प्लीट हो जाना चाहिए। बहरहाल हालात ये है कि पैसे के अभाव में सैनिक स्कूल का निर्माण कार्य लंबित पड़ा हुआ है और जो काम 5 वर्ष में पूरा होना था उसे 10 वर्ष हो चुके हैं और अब भी किसी को नहीं मालूम कि सैनिक स्कूल की बिल्डिंग कब तक बनकर तैयार हो जाएगी। ऐसे में ये लेट लतीफ़ी सरकार के मंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों पर सवाल खड़ा करती है कि क्यों निर्माण में देरी की जा रही है और क्यों निर्माण के लिए पैसे जारी नहीं किए जा रहे हैं।